डन फुरकान, कैसी रही एग्जाम? एक नंबर से यार, एकदम मजेदार एग्जाम थी, एकदम एक नंबर मजेदार एग्जाम थी। आप बता सकते हैं कि आपने क्या स्पेशल किया अपनी बच्ची के लिए कि उनका एग्जाम अच्छा रहे? आपने क्या सपोर्ट किया? आपने पढ़ते रहिए, इस चैनल पे आप हैं, चलो फिर पढ़ते हैं। सो पढ़ाई रुकेगा नहीं और कोई यहाँ झुकेगा नहीं, ठीक है? चलो फिर पढ़ते हैं चैनल पे हम, और वी आर एट द सेंटर, जी एन पंड्या सनफ्लावर स्कूल, और जोया भी आ गए यहाँ। बड़े दिनों बाद जोया से मुलाकात हो रही। सबसे पहले हम एमन से मिलेंगे। सो एमन बताइए, एग्जाम कैसी रही मैथ की? इट वाज फैंटास्टिक, और बहुत अच्छी थी। सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लिए। एमसीक्यू थोड़े हार्ड थे बट हो गए सॉल्व अच्छे से। ओके, एमसीक्यूज थोड़े हार्ड थे बट हो गए। एक वर्ड में क्या कहोगे, कैसा रहा पेपर? इट वाज सुपर्ब सर। इट वाज सुपर्ब, फैंटास्टिक। और जोया को हम जाने नहीं देंगे। जोया कम हियर बेटा, पल्लवी तो जाएंगे नहीं बट जोया का पहला टर्न है। सो जोया इज हियर, वन ऑफ आवर ओल्डेस्ट स्टूडेंट सिंस नर्सरी, सी वाज स्टडिंग विद अस। सो जोया, एग्जाम कैसी रही? बहुत अच्छी। सो मैथ एग्जाम के रिव्यूज हम ले रहे, कौन सा सेक्शन बहुत इजी था? डी और सी बहुत इजी थे। वन वर्ड में क्या कहेंगे, एग्जाम कैसी रही? अच्छा था, थोड़ा हार्ड भी था और अच्छा था। ओके, कोई टिप्स देना चाहेंगे अपने जूनियर्स को, क्या ध्यान रखना चाहिए नेक्स्ट एग्जाम देने आए तो, नाइन्थ वाले बच्चों को? मुझे नहीं पता। ओके, चलिए कोई बात नहीं, पल्लवी है हमारे साथ। सो पल्लवी प्लीज़ बताएं, एग्जाम कैसी रही? सर एक नंबर। एक नंबर बोल रहे हैं, सो आर यू एक्साइटेड गाइस? पल्लवी हमारी आग लगा के आई, ऐसा लग रहा है, इस गर्मी में भी आग लगा दी है। सो कौन सा सेक्शन बहुत ईजी था? डी सेक्शन, डी बहुत ईजी था। ओवरऑल पेपर कैसा रहा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, क्या अच्छा था पेपर में कुछ खास? ऑब्जेक्टिव्स भी मतलब मेरे लिए इजी था तो मेरे को इजी लगा था। ओके, आपकी तैयारी हार्ड थी या पेपर इजी था, क्या लगता है? दोनों, यानी इतनी अच्छी तैयारी की थी कि इनका पेपर बेस्ट रहा एंड शी डिड इट वेल। सो जूनियर्स के लिए कोई टिप्स? सर एक्चुअली क्वेश्चन पेपर्स अटेंड करने चाहिए और मतलब गाला टेक्स्ट बुक सब प्रेफर करना चाहिए। ओके, गाला टेक्स्ट बुक सारा प्रेफर करना चाहिए और सिंपल पेपर भी करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, यानी टेक्स्ट बुक को भी रेफर करना चाहिए। सो आपका पेपर अच्छा जाने में किसका कोई खास जिसका योगदान रहा, जिसके वजह से आपका पेपर अच्छा गया, कुछ ऐसा खास? हाँ, मैं ट्यूशन जाती थी, पहले मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं जाती थी क्योंकि मैं ट्यूशन नहीं जाती थी। अब मैं ट्यूशन जाती हूँ तो मेरे और अच्छे मार्क्स आते हैं और मेरे मम्मी पापा मुझे सपोर्ट करते कि ये करना चाहिए तो को ये करना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा और अच्छा लगता है। कौन से ट्यूशन में जाते हैं आप बताएँ? क्लासेस। ओके, सो डीसेंटियन हमारे साथ हैं जो बता रहे हैं कि पापा की मेहनत, 1-to-1 छोड़ने आना, लेने आना, वो भी हमारे साथ है। सो आएंगे, प्लीज़ आइए, आपको आना होगा, आ जाइए, नहीं तो हम वहाँ आते हैं, आइए। सो पापा की मेहनत, मम्मी का साथ, कभी रिक्शा में भी लेने आना, और एट द एंड पल्लवी ने मैथ का एग्ज़ाम बहुत बेस्ट किया और वन वर्ड में डिस्क्राइब किया उन्होंने कि एक नंबर, शी डिड इट सुपर्ब। सो बताएंगे कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा डिसेंट के साथ? डिसेंट के साथ हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जब हमारी लड़की जूनियर क्लास में थी, 8-10 तक हो गया उसी से पढ़ा, और वहाँ का पढ़ाई हमारे बच्चे लोग के लिए अच्छा है। ओके, गाइडलाइंस भी बहुत अच्छा है, मतलब सब कुछ अच्छा है, हम लोग संतुष्ट है उससे। ओके, तो एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए डिसेंट क्लास की तरफ से क्या सपोर्ट मिला और कैसा था? बहुत सपोर्ट मिला सर, बच्चे को बहुत अच्छा टीचिंग दिया, जो बच्चे को बताया गया बच्चा उस हिसाब से पढ़ा गया, घर पर भी गाइडेंस दिया गया, इस वजह से हमें आशा है कि हमारा बच्चा अच्छा नंबर लाएगा, मतलब उस ट्यूशन का बच्चा सब अच्छा ही नंबर लाएगा सर। क्या बात है, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपके रिव्यू के लिए। उनके मदर भी एक बार आ जाए प्लीज़, उनकी फैमिली पूरी रहेगी तो अच्छा लगेगा। आइए, आप बता सकते हैं कि आपने क्या स्पेशल किया अपनी बच्ची के लिए कि उनका एग्ज़ाम अच्छा रहे? आपने क्या सपोर्ट किया अपने बच्चे का? कैसे बच्ची घर पे पढ़ती थी और कैसा था उनका? उसने मेरे जो मैं जैसे जैसे कहा उसने सपोर्ट किया, कभी फोर्स नहीं किया कि बेटी तुम्हारे ऊपर क्या पढ़ाई का है। ट्यूशन में भी हमेशा आप लोगों ने इसका सपोर्ट किया, पढ़ाई में बहुत अच्छी है, मुझे खुश किया कि इसने मैंने और इसका काम का मैंने कभी प्रेशर नहीं दिया, पढ़ाई भी बहुत मन से करती है। आप लोगों ने आपका भी सहयोग हमेशा रहा, जैसे टाइम पे आप लोगों को कभी बोलते थे सर छुट्टी दे दीजिए, आप लोग टाइम पे दे देते थे, बुरा नहीं मानते थे। हमारी भी मजबूरी आप लोगों ने समझी और बच्चे भी समझे, पढ़ाई इसकी बहुत अच्छी रहती है। मैं और एक तो सबसे बड़ी अच्छी बात है कि मुझे डेक्कन क्लासेस से अच्छा लगता है, वहाँ सेफ्टी है मेरे बच्ची। ओके, सेफ्टी आपको लगती है वहाँ पे? बहुत ज़्यादा सेफ्टी वहाँ लगती है, इसलिए मैं अपने बच्ची को वहीं पे भेजी हूँ।
ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर रिव्यू। और ये था हमारी पल्लवी की फैमिली से रिव्यू। बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और बेस्तान से ऊन में आते हैं वो कोचिंग के लिए। उनके मम्मी कभी रिक्शा से छोड़ने आते हैं, कभी उनके पापा ड्यूटी ख़त्म करके पिक करने आते, ड्रॉप करने आते हैं, बट एट द एंड दे डिड द बेस्ट और उन्होंने अच्छी जगह एजुकेशन दी। वो अभी फील कर रहे हैं और वो बता रहे हैं, ये उनके ही रिव्यूज़ हैं जो हमें बता रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस, थैंक यू। और चलिए कुछ बच्चों के पेरेंट आ रहे हैं, उनसे मिलेंगे खास। चलिए आइए, आ जाओ आ जाओ, सब बोलना है अभी, अंदर जमा करके रखो। आपके बच्चों ने भी एग्ज़ाम दिया, सो आप थोड़ा सा बताएंगे कि यहाँ बच्चे एग्ज़ाम देने आ रहे हैं तो एग्ज़ाम के बाद कैसा माहौल रहता है, बच्चे जब निकलते हैं तो कैसा होता है? अरे बता दीजिए, बच्चे यहाँ से जब गुजरते हैं तो क्या बच्चे खुश होके जाते हैं? खुश होके जाते हैं, मतलब उनका एग्ज़ाम्स अच्छा जाता है? ऐसा ही होता है, यानी कि बच्चे काफ़ी खुश रहते हैं? बहुत खुश रहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों के बारे में, पढ़ाना चाहिए उनको या नहीं पढ़ाना चाहिए? पढ़ाना ही चाहिए। बिल्कुल, पढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा? है ना, बच्चे कामयाब हो जाता है। ओके ओके, आप बताएंगे बच्चे कामयाब हो जाते हैं, कैसे कामयाब होंगे? अपने अपने जॉब करने में अपने हेल्प मिल जाती है, पढ़ाई के जरिए सब कुछ कर सकते हैं बच्चे। बराबर, यानी पढ़ाई के जरिए ही सब कुछ हो सकता है? हाँ, पढ़ाई के जरिए से सब कुछ हो सकता है। बढ़िया है, ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर द रिव्यू। यानी बच्चे पढ़ते रहिए, इस चैनल पे आप हैं, चलो फिर पढ़ते हैं। सो पढ़ाई रुकेगा नहीं और कोई यहाँ झुकेगा नहीं, ठीक है। सो मुस्कान हमारे साथ है, बोर्ड एग्ज़ाम मैथ का एग्ज़ाम दे के मुस्कान निकले। सो एग्ज़ाम कैसी रही आपकी? बहुत अच्छी गई। बहुत अच्छी गई, क्या अच्छा था पेपर में, कौन सा सेक्शन बहुत इजी था? सेक्शन सी इजी लग रहा था, डी भी इजी था। सेक्शन सी भी इजी था, डी भी इजी था। तो ओवरऑल एग्ज़ाम कैसी गई, पेपर कैसा गया? अच्छा गया। एक वर्ड में कुछ ऐसा स्पेशल वर्ड कहना चाहोगे कि कैसा गया? फिर भी अच्छा ही गया, ठीक ठाक गया। ओके, अच्छा ही गया। तो ये पेपर अच्छा जाने में आपके पेरेंट्स का क्या सपोर्ट था आपके लिए? सपोर्ट सही था, मतलब पेरेंट्स ने फुल सपोर्ट किया? हाँ, फुल सपोर्ट किया पेरेंट्स। सो इनके मम्मी हैं जिनके बारे में मैं कहना चाहूँगा खास, कि वो हमेशा छोड़ने के लिए आते थे, लेने के लिए आते थे, चाहे धूप हो, चाहे छाँव हो, चाहे बारिश हो। मुस्कान की मदर उन्हें कोचिंग डिसेंट इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ पे ड्रॉप करने आते थे, पिक करने आते थे, और ये उन्हीं की मेहनत है कि आज मुस्कान कह रही कि पेपर बहुत अच्छा गया। और उनके गार्जियन है उनके साथ, उनको मैं बुलाना चाहूँगा कि वो थोड़ा सा बताएँगे कि मुस्कान कैसा कर रही है और क्या है। प्लीज़ आइए एक बार, क्या नाम है आपका? सद्दाम है। आप मुस्कान के? मैं उसका ब्रदर हूँ। ओके, मुस्कान के भाई हमारे साथ में है और वो बताना चाहेंगे कि मुस्कान पढ़ाई कैसी कर रहे हैं और डिसेंट क्लासेस से कैसा रहा, सपोर्ट कैसा था डिसेंट क्लासेस का? डिसेंट क्लासेस का रिजल्ट तो अच्छा है, ऐसा नहीं, सब एग्ज़ाम पढ़ाई वढ़ाई सब बहुत अच्छी होती है। इसको बहुत सपोर्ट भी मिला डिसेंट क्लासेस से। ओके। और इसने भी पूरी कोशिश की, मेहनत की, पढ़ाई सब मेहनत पढ़ाई कोशिश और डिसेंट का साथ, और इनका पेपर अच्छा रहा और उम्मीद है कि आगे भी पेपर्स अच्छे जाएंगे। अपने जूनियर को कोई टिप्स देना चाहेंगे आप कि क्या ध्यान रखना चाहिए टेंथ में उनको? टेंथ में मतलब क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे जिससे एग्ज़ाम्स अच्छे रहे उनके, पहले से क्या ध्यान रख सकते हैं? पहले तो पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, ओके ओके। सो अब हम गेट पे जाते हैं। ओके, मुस्कान से एक बार लास्ट। मुस्कान थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर रिव्यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट एंट्रेंस गेट। सो वी आर एट द सनफ्लावर स्कूल, सरस्वती स्कूल पे हैं हम, जीएन पंड्या भेस्तान में। और यहाँ बच्चे बोर्ड की एग्ज़ाम्स दे के आ रहे हैं और उनके रिव्यूज़ के लिए हम आए हैं कि एग्ज़ाम कैसी रही। और हमारे फुरकान आ गए हैं, सो वेल डन फुरकान, कैसी रही एग्ज़ाम? एक नंबर सर, एकदम मज़ेदार एग्ज़ाम थी, एकदम एक नंबर मज़ेदार एग्ज़ाम थी। क्या इजी था, कौन सा सेक्शन इजी? सारे सेक्शन इजी थे उसमें, मतलब जो मैंने दो रास्ते पढ़ रहा था सिर्फ बिल्कुल वही एकदम एग्जैक्टली वो आया था। क्या बात है, दो बस एक का जो एक्स वाला बदला था उसमें पी क्यू दे दिया था, एक्स ही न्यूमेरिकल का पी क्यू दे दिया था, उसमें हम लोग को फाइंड करना था एक्स फाइंड करना, तो वाई हमको दिया गया था, तो वो भी ईजी था, पर उसमें थोड़ा टाइम लगा मेरे को, 20 मिनट लग गए उसमें। ओके, यानी कि पेपर एक नंबर गया और दो रात की जो मेहनत थी वो रंग लाई और फाइनली फुरकान ने बहुत अच्छा किया। सो पेपर अच्छा जाने का रीज़न क्या था आपका? जी जी आइए, कुछ ऐसे आइए आइए, आपको भी मिल के जाना है, आप क्यों जा रहे हैं? जी बताइए। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे सर जो मतलब पहले से हमको आते थे,
और हमारे रिसेंट इंस्टीट्यूट ने भी हमें बहुत सारा वो किया, हमारी क्लासेस से भी हमने बहुत सारी गाइडेंस मिली एंड बहुत मतलब पहले से हमको ऐसा गाइड कर दिया गया था, क्योंकि तीन बार हमारी प्रीलिम एग्ज़ाम ली गई थी और तीन बार प्रीलिम एग्ज़ाम लेने के बाद हमको पता चल गया था कि हमारे लेवल क्या है, तो हमें उस तरह से मेहनत करनी थी। तो मैं समझ गया था कि अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो मैं तो गया, इसके लिए मैंने सोच लिया पढ़ना ही तो पढ़ना ही है। सो एक वर्ड में क्या कहना चाहोगे, एक वर्ड में पेपर कैसा गया? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। और फुरकान तो गया, बट हम जाने नहीं देते हैं हमारे बच्चों को, सो फुरकान गया नहीं, बच गया और बहुत अच्छा किया एग्ज़ाम में। ये उनके फेस के एक्सप्रेशन दिखा रहे, थोड़ा सा फेस रिवील करेंगे फुरकान, आप एक्सप्रेशन देख सकते हैं कि कितना एक्साइटेड है और आगे की एग्ज़ाम्स भी आपकी अच्छी रहे। सो वेल डन फुरकान, कीप इट अप, एक्सेलेंट। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच।